नूह जिले के अड़बर चौक पर जलाभिषेक के बाद स्थानीय लोग पुलिस दस्ते की सेवा करते दिखाई दिए। इस दौरान जलाभिषेक यात्रा पूरी होने के बाद जैसे ही स्थानीय लोगों को पुलिस की सेवा करने का मौका मिला तो वे उनके लिए चाय पानी और बिस्किट वगैरह लेकर पहुंचे ताकि दिन भर इलाके की सुरक्षा में जुटे पुलिस दस्ता राहत की सांस ले सके। इस दौरान नूह स्थित अड़बर चौक मदरसे के संचालक मुफ्ती तारीफ सलीम ने बताया कि पूरे दिन इलाके की सुरक्षा में जुटी रही इसलिए उनकी सेवा करना हमारे लिए गर्व की बात है और हमारी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मी उच्चारियों ने उनका आभार व्यक्त किया है। स्थानीय लोगों ने इस कार्य से समाज के लोगों में एक अमन का संदेश गया है। मुख साहब आप चौक पे खड़े हैं अभी अड़बर चौक पर, अभी यहाँ पे कुछ पानी और बिस्किट वगैरह की सेवा जारी है, तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले के बारे में? असल में सब इंतजामिया हमारे ही लिए लगा हुआ है और हमारी हिफाजत के लिए लगा हुआ है और सुबह से ही ये लोग लगे हुए हैं, ना धूप को देखते हैं, ना सुबह को ना शाम को। तो हमारी भी एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनकी सेवा करें। जाहिर है कि इतना हाई हुल्लड़ हुआ और आज बहुत अमन और शांति रही, तो जाहिर है कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की पूरे तौर पर उसमें ज़िम्मेदार रही और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाया है। तो हमने अपने तौर पर समझा कि पानी, केला, फल फ्रूट और फिर शाम में सोचा कि चाय का इंतज़ाम कर दिया जाए, और उसका इंतज़ाम हमारे साथियों ने किया और बहुत जोश व खरोश से किया और उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। जो हमारे इंतज़ामी दस्ते पे जो फौजी लगे हुए थे उन्हें भी बहुत अच्छा महसूस हुआ और इलाके की तरफ से भी एक अच्छा संदेश पूरे मुल्क के लिए गया है और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे फौजी दस्ते लगे हुए हैं उनके दिलों में भी ये कहीं ना कहीं ये रहा कि यकीनी तौर पर मेवात एक अच्छा प्यारा और बेहतरीन जो है कि जगह है। जनाब आप भी इस वक्त अड़बर चौक पर खड़े हैं, क्या हालात हैं और जैसी शांति दिख रही है तो आपके क्या बोल हैं अभी? हालात आज बेहतर रहे, सुरक्षा के पुख्ता इंजाम एडमिनिस्ट्रेशन के और सरकार के थे जो हमें पहले से ही उम्मीद थी। दोनों समुदायों ने भी आपसी भाईचारे और मोहब्बत का परिचय दिया जो यहाँ की रिवायत रही है। आज़ादी से पहले जो नेशनल इंटीग्रेशन का मैसेज पूरी दुनिया में इस मेवात इलाके का था वो आज भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। इस वक्त क्या सरगर्मियाँ यहाँ चल रही है जहाँ अभी हैं आप? यात्रा अपना मुकम्मल कर चुकी है, उसके बाद जो हमारे साथी हैं उन्होंने सुबह से ही खिदमत में लगे हुए थे क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो अपनी ड्यूटी 24 घंटा दे रही हैं, तो हमारे नहायत ज़रूरी था कि शहर के शहरी लोग उनकी खिदमत करें। आज चाय पानी नाश्ते का जो इंजाम हमारे साथियों ने किया है वो बहुत सराहनीय काम।